हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान सरकार द्वारा आज का शिक्षा बजट एक नजर में। प्रदेश में 1200 महात्मा गांधी विद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश में 50 नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश में 100 राज्य के विद्यालय क्रमोन्नत होंगे। 600 सरकारी स्कूलों में कृषि संकाय शुरू किया जाएगा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज में मिलेगी फ्री सुविधा। राजस्थान बजट 2021। स्कूलों में ड्रेस व किताबें मुफ्त देने की घोषणा। राज्य के स्कूल में कक्षा 8 के स्टूडेंट्स को ड्रेस फ्री, कक्षा 5 तक किताबें फ्री। सीएम ने कहा कि हर जिले में ध्यानचंद स्टेडियम बनेगा। वहीं डिजिटल शिक्षा के लिए 82 करोड़ रुपए का ऐलान किया। राज्य में सभी राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट टीवी और सेट टॉप बॉक्स लगाए जाएंगे। साथ ही सभी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि राजस्थान के हर जिले में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। पब्लिक हेल्थ को देखते हुए सभी संभाग मुख्यालय पर पब्लिक हेल्थ खोले जाएंगे। 37,400 आंगनवाड़ी केंद्रों, अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे। 50 सरकारी स्कूल खोलेंगे व 100 स्कूल क्रमोन्नत होंगे। जोधपुर में 400 करोड़ रुपए में थिंक टैंक सेंटर खोले जाएंगे। सीएम गहलोत ने ऐलान किया कि आने वाले साल में प्रदेश में 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश में युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी व अन्य केंद्रों की स्थापना के लिए राजीव गांधी सेंटर के लिए 200 करोड़ की घोषणा की। जिन 4 विधायकों, 3 कांग्रेस और 1 भाजपा की मौत हुई, उनके नाम पर उनके क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा सीएम गहलोत ने की है। 40 CHC को प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। कोविड-19 में डिजिटल शिक्षा, समस्त सरकारी स्कूल में स्मार्ट टीवी व सेटअप बॉक्स की सुविधा दी जाएगी। जागरूक टीवी की राजस्थान से खास रिपोर्ट।